सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का पोषण ट्रैकर ऐप की एक नई वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप पे काम करते हैं और आपसे गलती से अगर कोई भी लाभार्थी पोषण ट्रैकर ऐप से डिलीट हो जाता है या रिमूव हो जाता है, तो उस लाभार्थी को हम लोग पोषण ट्रैकर ऐप में वापस कैसे लाएंगे, यानी उसको रिकवर कैसे करेंगे, आज के इस वीडियो में इसी के रिगार्डिंग आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। जैसा कि अगर आप पोषण ट्रैकर ऐप में किसी लाभार्थी को अगर रिमूव कर देते हैं तो उसको वापस लाने का मात्र एक ही तरीका है, जिस तरीके के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लोगों से एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, और जो भी नई आंगनबाड़ी सेविका बहन इस वीडियो को देख रही हैं वो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और सभी बहनों को अगर आज की ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक कीजिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से लाभार्थी को अगर आप लोग रिमूव कर देते हैं तो उसको वापस ला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम बेनिफिशियरी वाले पे सबसे पहले क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर गर्भवती महिला को हम लोग धात्री माता में ट्रांसफ़र करते हैं, और यहाँ पर गर्भवती महिला के नाम के आगे जो 3 डॉट है इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद स्तनपान में भेजने के लिए यहाँ पर माइग्रेट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के सामने इस प्रकार से जो ऑप्शन आ जाते हैं, अगर इसमें से कोई भी ऑप्शन आपने गलती से दबा दिया, यानी कि इसको यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे विस्थापित करने वाले पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे ठीक है पे क्लिक कर देते हैं, तो ये लाभार्थी जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो इसको ऐसा नहीं करना है। देखिए ये जो कंडीशन है वो किस कंडीशन में आप लोगों को इस प्रकार से जो ये ऑप्शन दिए गए हैं उसको यूज़ करना है। मान लीजिए अगर जो गर्भवती महिला है उसका बच्चा मृत जन्म पैदा होता है तो उसको यहाँ से रिमूव करने के लिए इस ऑप्शन को यूज़ कीजिएगा, या फिर गर्भपात हो जाता है, या फिर यहाँ पे 20 सप्ताह के भीतर ही डिलीवरी हो जाती है, तो उसके लिए आप यहाँ पे इस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसको रिमूव कर देंगे। और मान लीजिए उस लाभार्थी के साथ ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है और आपने यहाँ पे गलती से उसको इस ऑप्शन पे क्लिक करके रिमूव कर दिया है तो उसको आप लोग कैसे वापस करेंगे, चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि माइग्रेट करने के लिए हमें यहाँ पर डिलीवरी की तारीख डालनी होती है। डिलीवरी की तारीख जैसे ही डालेंगे तो यहाँ पे विस्थापित करने का एक ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपसे पूछेगा कि क्या आप इस लाभार्थी को वाकई माइग्रेट करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे हाँ पे क्लिक करेंगे और उसको यहाँ से आसानी से माइग्रेट कर सकते हैं। और चलिए कंडीशन बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी अभी जो नया अपडेट आया है जिसमें कि आप लोगों को हर लाभार्थी के कैटेगरी में देखने को मिलेगा कि 3 डॉट पर जैसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ पर बेनिफिशियरी डेट वाला जो ऑप्शन है इस पर अगर आप लोग क्लिक कर देते हैं तो ये जो लाभार्थी है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यानी डिलीट हो जाएगा, तो उसको भी आप लोग वापस ला सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से अगर आप गलती कर देते हैं तो उसको कैसे वापस लाएंगे। देखिए इसके लिए आपको एक ही मात्र तरीका है जिससे आप लोग उसको वापस ला सकते हैं। आपको करना क्या है कि जिस लाभार्थी को आपने गलती से रिमूव किया है उस लाभार्थी का नाम और मोबाइल नंबर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो आप अपने LS मैम से कॉन्टेक्ट करेंगी और वहाँ पे आप बोलेंगी कि मैम हमें इस लाभार्थी को पुनः एक्टिवेट करना है, तो वो जो LS मैम का ID होता है उस ID से आपने जिस लाभार्थी को यहाँ से डिलीट कर दिया है तो वहाँ पे डीएक्टिवेट दिखाता है LS मैम के ID में, तो वहाँ से वो आसानी से आपके पोषण ट्रैकर ऐप में उसको एक्टिवेट कर सकती हैं। इसके लिए बस यही तरीका है जिससे कि आप उस लाभार्थी को पुनः पोषण ट्रैकर ऐप में वापस ला सकते हैं। बाकी कोई भी तरीका नहीं है जिससे कि आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप में किसी भी लाभार्थी को खुद से वापस ला सकते हैं। इसके लिए आपको पहले कॉन्टेक्ट करना होगा LS मैम से और वहाँ पे आपको अपनी वहाँ पे उस लाभार्थी की डिटेल्स देनी होगी जिससे कि वो जो LS मैम है वो आपको पोषण ट्रैकर ऐप में फिर से उस लाभार्थी को एक्टिवेट कर सकती हैं। तो इस प्रकार की गलती आप लोग नहीं कीजिएगा। अगर बाय द वे गलती हो जाती है तो आप LS मैम से ज़रूर संपर्क कीजिएगा, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगी। आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ। जय हिंद।